जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेनेवो लीजन 5 के बारे में, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है, लेकिन करेंटली अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, क्या इस लैपटॉप को परचेज करना एक सेंसेबल ऑप्शन है, या फिर आप किसी और लैपटॉप को कंसिडर कर सकते हैं। तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, इसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले हम इसके प्राइस से ही स्टार्ट करते हैं। तो इसका प्राइस अमेजोन के ऊपर है 1,09,990, यानी कि 1,10,000। और इसके ऊपर कुछ बैंक ऑफर्स भी अवेलेबल है, जिसे कि यूज करके आप इसे और भी कम प्राइस में परचेस कर सकते हैं। अब दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसे ही नए नए लैपटॉप के डील्स एंड रिकमेंडेशन चाहिए, तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं पहले से बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज लेके आते रहता हूँ। तो दोस्तों, स्टार्ट करें इसके सीपीयू एंड जीपीयू से। तो हमें इसमें देखने को मिलता है राइजन 7 का 5800 सीपीयू, जो कि 8 कोर और 16 थ्रेड के साथ आता है। और इसका बेस क्लॉक स्पीड 3.2 गीगाहर्ट्ज है, वहीं बूस्ट क्लॉक स्पीड 4.4 गीगाहर्ट्ज है। और इसके साथ कंबाइन किया गया है 4GB वीआरएम वाला आरटीएक्स 3050 टीआई जीपीयू। और दोस्तों, बात करें इसके डिस्प्ले की, तो इसमें हमें 15.6 इंच का FHD डॉल्बी विजन डिस्प्ले देखने को मिलता है IPS टेक्नोलॉजी के साथ। इसी के साथ इसका पीक ब्राइटनेस 300 नीट्स है और 100% sRGB, और ये 165 हर्ट्ज के स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ आता है। और बात करें इसके रैम एंड स्टोरेज की, तो हमें इसमें ऑनबोर्ड 16GB का रैम देखने को मिलता है, और स्टोरेज के लिए 512GB का SSD, और इसमें कनेक्टिविटी के लिए Wi-Fi 6 और ब्लूटूथ 5.1 अवेलेबल है। और बात करें इसके बैटरी की, तो हमें इसमें 80 वाट आवर का 4 सेल बैटरी देखने को मिलता है, जो कि आपको अप्रॉक्स 5 आवर का बैटरी बैकअप दे देगा। इसी साथ दोस्तों, इसमें आपको फुल साइज RGB कीबोर्ड देखने को मिलता है, ट्रैक पैड भी फुल साइज का है, डिजाइन एंड लुक भी काफी इंटरेस्टिंग है, गेमिंग लुक के साथ आता है। और इसमें 4 हीट पाइप्स अवेलेबल है, जो कि इसके कूलिंग सिस्टम को भी काफी अच्छा कर देता है। इसी के साथ दोस्तों, आपको इस लैपटॉप में और भी बहुत सारा फीचर्स देखने को मिलता है, खास करके गेमिंग से रिलेटेड, जो कि आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को काफी ज्यादा इन्हांस कर देता है। तो दोस्तों, अभी तक मैंने आपको इस लैपटॉप के बारे में सब कुछ अच्छा ही बताया, क्योंकि अभी तक मुझे इस लैपटॉप में ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं मिला जिसे कि मैं क्रिटिसाइज कर सकूं। इसलिए मेरा ओपिनियन तो यही रहेगा, अगर आप 1,10,000 के अराउंड आपका बजट है, या फिर 1,05,000 के भी अराउंड है, तो फिर आप इसे बाइक कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, और इसमें फीचर्स भी काफी अच्छे अवेलेबल है। और अगर आप इस लैपटॉप को परचेज नहीं करना चाहते, या फिर इनकेस ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, तो फिर आपके लिए HP विक्टर से एक और ऑप्शन अवेलेबल है, जिसे कि आप कंसिडर कर सकते हैं, और उसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी नए नए वीडियोस को देखने के लिए, और राइट वाले वीडियो को क्लिक करके आप और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देख सकते हैं।